हे गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिन हो गए बात करें आप लोगों से। मैं एक खुशखबरी देना चाहता था कि मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर दी है। मैंने फीगो निकाल के एक नई गाड़ी ले ली है, जिस गाड़ी का नाम है अपना स्कॉर्पियो एन, हम जिसको बिग डैडी भी बुलाते हैं। मैं इस पूरी कन्वर्सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि क्या कौन से रीज़न रहे कि मैंने इसे यही गाड़ी चूज़ करी, कि मैंने कौन सा वेरिएंट, कौन सा मॉडल लिया है, और मैंने बाकी गाड़ी की तरफ क्यों नहीं गया, बिकॉज मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं इसके साथ में। सबसे पहले मैं आता हूँ कि मैंने कौन सा मॉडल लिया। मैंने लिया है स्कॉर्पियो एन Z8L डीजल ऑटोमेटिक 4x4। 4x4 को की मेरे को ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट मेरे को यही मॉडल अवेलेबल था। मेरे को जल्द से जल्द गाड़ी चाहिए थी, और उनके पास जो मैंने बुक कराया था इनिशियली वो था अपना Z8L, था वो ऑटोमेटिक बट 4x4 नहीं था। तो कुछ ही फीचर्स हैं जो अपने ऐड ऑन हो जाते हैं, एक 4x4 ऐड होती है। बट हाँ, कीमत भी करीब 2,90,000-80,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है अगर आपको सबसे टॉप मॉडल चाहिए। तो मेरे को ये गाड़ी 29-30 के आसपास की पड़ी, मतलब करीब करीब आप मान लो सब कुछ मिला के तो 29.5 लाख रुपये की अपनी गाड़ी पड़ी। फीगो से एक स्कॉर्पियो में आना, एक मैंने फीगो 3 लाख रुपये ली थी सेकेंड हैंड, और मैंने ये नई गाड़ी 30 लाख लगी है, बिल्कुल 10 गुना अंतर है पूरा। उस छोटी गाड़ी से ऊपर तक आना एक बड़ा डिसीजन होता है। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रिसर्च करी थी कि मेरे को चाहिए थी बड़ी गाड़ी, और मेरा 20 लाख का बजट था। मैं सोच रहा था कि स्कॉर्पियो क्लासिक ले लूँ, बट क्लासिक में कुछ था नहीं ऐसा जो 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 मेरे को इम्प्रेस करे, जो मेरे को ऐसे बोले कि हाँ भाई हम क्लासिक की तरफ जा सकते हैं। क्लासिक भी ऐसी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी डाई हार्ड फैन है स्कॉर्पियो के, वो क्लासिक की तरफ ही जाते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर क्या है, आपको एक स्कॉर्पियो का आपको ब्रांड मिल गया, और दूसरा इसको इंटीरियर जो है इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, और 4x4 इज एन एड ऑन ऑप्शन फॉर मी। लाइक मैं क्योंकि हमारे मैं जयपुर में रहता हूँ, और जयपुर में चारों तरफ ऐसा कोई रोड नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़े कि भाई 4x4 है। मैं अपने गाँव में गया तो उसकी तरफ भी चारों तरफ अच्छी रोड्स बनाई हुई हैं थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, और जितने भी हैं अपने जो भी हाईवे वगैरह जा रहे हैं कभी होता ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे खुद को ही चुल मची मेरे अंदर कि मेरे को 4x4 यूज़ करना है, तो अपने खेतों में हमारे जो खेत हैं उनके अंदर निकाल सकता हूँ मैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है, कोई अपनी गाड़ी साथ करेगा नहीं। तो हाँ ठीक है, चल ये एक एड ऑन ऑप्शन हो गया। कल मेरे को अगर जाना हुआ लोनावाला साइड या फिर कोई लद्दाख साइड जाना हुआ तो मैं आई कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, बट हाँ ऐसा कुछ ज़रूरत थी नहीं इसकी। ये मेरा एक फर्स्ट रीजन था कि मैंने पहली फर्स्ट चीज़ थी मैंने कौन सी गाड़ी ली है, कौन सा वेरिएंट लिया है। काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। हल्की हल्की प्रॉब्लम्स तो हैं, मेरे को दिखी है, एक इसमें चूँ चूँ की आवाज़ आती है, मैंने उनको दिखाया भी है, तो शायद मैं मंडे को लेके जाऊँगा दोबारा। और ठीक है, मतलब इट्स वर्थ इट ऑप्शन, लाइक वैल्यू फॉर मनी है। तो ये सेम चीज़ मैं इसको फोर्चून में जाता, जो मेरा बजट में ऑफकोर्स मेरा बजट नहीं है 60 लाख रुपये का। एक मिडिल क्लास आदमी 60 लाख रुपये नहीं देता है किसी भी गाड़ी के लिए, अनटिल और अनलेस यू आर ऑन हाई सैलरी पर्सन और यू हैव बिग बिजनेस। सेकेंड आता है मेरे पास ऑप्शन क्या कहते हैं, मैंने कंपास देखी थी, कंपास का सेम आता है एक अपने ऑटोमेटिक 4x4 में, मेरे को 32 के आसपास पड़ रही थी गाड़ी। XUV700 देखी थी मैंने, तो मैंने सफारी देखी थी, हैरियर भी देखी थी मैंने। ये मेरे पास चार ऑप्शन थे, MG Hector भी देखी थी, हैरियर मैंने सिलेक्ट नहीं करी बिकॉज वी आर हैरियर वर्सेस सफारी, आई वुड गो फॉर सफारी डेफिनेटली, सो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं हैरियर पे। सफारी का क्या था कि यार सफारी इज़ ए गुड ब्रांड, उसके बाद उसमें मैंने टेस्ट ड्राइव ली उसकी जो स्टेयरिंग थी ना इतनी हार्ड थी, मेरे को टेस्ट ड्राइव लेते लेते ही मेरे हाथ में काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो गया। पेन मतलब कि मुझे फील हो रहा था कि हाँ यार ये गाड़ी में दम है। तो फिर मैंने ये बात उनसे पूछी थी कि यार आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग सच में थी हार्ड है या ब्रांड ये पर्टिकुलर गाड़ी की ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज दिन में 10 लोग आते हैं, 10 लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं, 10 लोग अपनी तरफ से गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये हमारी गाड़ी आप इस सफारी लेके सिटी में चलाने वाले हो क्या, तो मैंने बोला कि मतलब क्या आप क्या चाहते हो कि मैं गाड़ी एक हाईवे के लिए रखूँ और एक सिटी के लिए अलग से गाड़ी खरीदूँ।
बोला सर हमारी गाड़ी हाईवे की गाड़ी है, इसमें आप 40-50 से तो नीचे कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैंने बोला यार ऐसा तो आपका पता नहीं, आपका अलग होगा, हर सेल्समैन का अलग नॉलेज होती है, अलग बोलने का। अब बोलने का तो क्या, वो काफ़ी पोलाइटली बोल रहा था बेचारा, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट उसका एज पर नॉलेज दैट वॉज नॉट ए गुड आंसर कि आप अपनी गाड़ी सिटी में चलाओगे। ऑफकोर्स मैं सिटी में भी चलाऊंगा भाई, मैं तेरी गाड़ी 26 की पड़ रही थी मेरे को, मैं इतनी 26 लाख गाड़ी लूँगा तो मैं थोड़ा ना इसको रोज़ हाईवे पर निकलना शुरू करूँगा, अननेसेसरी जरूरत भी नहीं है। कल मेरे को मन हुआ मेरे किसी रिश्तेदार के जाना जयपुर, टू जयपुर में चलाऊँ गाड़ी लेके, अब मैं स्टेयरिंग इतनी हार्ड लेके कैसे चलाऊँगा उसको। शायद उस ब्रांड उस वाले मॉडल उस वाली कार के अंदर ही प्रॉब्लम होगी, वी कैन नॉट से लाइक होल सफारी ब्रांड हैज दिस प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर दिस इज प्रॉब्लम और फीचर। होता है कि कभी कभी बोलते हैं कि भाई हमारे स्टेयरिंग हार्ड है, फॉर्च्यूनर वाले भी बोलते हैं सर स्टेयरिंग हार्ड है एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो, तो ठीक है। और बाकी गाड़ी बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें दो तीन जो अच्छे अच्छे फीचर थे जो इसमें नहीं है। स्कॉर्पियो में 360 कमरा रह गया और वेंटिलेटेड सीट, आई रियली मिस दैट फीचर, बहुत अच्छा फीचर है यार। और ऊपर से 1.5-2 लाख में सस्ती पड़ रही थी वो, पर फिर भी मैं सुनी ली बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सेकेंड मेरे पास थे कंपास, सैमसंग को लेता हूँ, बहुत मस्ती हो रही है। सेकेंड थी मेरे पास कंपास, कंपास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब मैं उससे पहले, मतलब मैं गाड़ी कंसिडर करने से पहले सोचता कि यार ये ओवर प्राइज्ड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर सम, भाई नहीं है यार भाई, वो चीज़ ही अलग है कंपास। मतलब एक तो आपको क्लासी फील कराएगी, दूसरी बात यह है कि जो स्टेबिलिटी कंपास में है ना, वो स्कॉर्पियो में भी नहीं है, वो सफारी में भी नहीं है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है, और आप वो भी 30 लाख रुपये में। मेरा ना लेने रीजन था यार, मेरे को एक तो स्कॉर्पियो चाहिए थी, हम डाई हार्ड फैन ऑफ स्कॉर्पियो। सेकंड कि मेरे को एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी, मैं 30 लाख देख के 5 स्टार नहीं लाना चाहता था, 5 सीटर लाने का मेरा कोई मूड नहीं था। और तीसरा रीज़न ये था कि ये बहुत काफ़ी इम्प्रूवड है पिछली वाली स्कॉर्पियो से, एंड मैंने इसकी टेस्ट डाली थी जब मैं समझ गया था इस बात को कि बहुत अच्छी, मतलब एज़ कम्पेयर वी कैन कम्पेयर विद दिस लाइक गुड ब्रांड्स। तो ये एक पूरा अलग ही एक जोन चल जाता है, इसका पूरा अलग ही जोन है और कंपास का एक अलग ही जोन है। बट कंपास वाले जो होते हैं जो लग्जरियस फील करवाना चाहते हैं अपने आप को, एक ब्रांड वैल्यू की मैटर, उनको फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा कि जीप है हमारे पास, तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर सम कंपास। कंपास का उन्होंने जो टेस्ट ड्राइव दी थी ना, मतलब मैं फ़ैन हो गया यार, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टेबिलिटी थी गाड़ी के अंदर। मैंने उस गाड़ी को करीब 60 की स्पीड में, शायद 60-65 की स्पीड में डायरेक्ट यूटर्न मारने को बोला था उसने मेरे को। मैंने बोला कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बोले सर आप मारो मैं बगल बैठा हूँ, यानी भाई मेरे से गाड़ी पलट जाएगी, फालतू में एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, बोले सर हम बैठे हैं यहाँ पे। तो गाड़ी मैंने 65 की स्पीड पर बिल्कुल यूटर्न मार लिया था उसका, टायर थोड़ा स्लिप हुए थे बट दैट वॉज वेरी आई वॉज वेरी मतलब कम्फर्टेबल, मतलब श्योर था कि कुछ नहीं होने वाला। इस लेवल की चीज़ें हैं उस कंपास के अंदर। और 120 की स्पीड में पैनिक ब्रेक ला के उसमें दिखाए थे, जो गाड़ी मुश्किल से 4-5 मीटर ही आगे जाती है, बाकी कोई टायर का वो स्लिप वली कुछ नहीं होता, आप स्टेयरिंग छोड़ भी दोगे तो गाड़ी वहीं के रुक जाएगी, आपको तो बचाएगी वो, सामने वाले को बचा देगी अगर आप पैनिक इस तरह की कंडीशन आती है तो। बट दैट दिस इज रियली गुड कार। हेक्टर वगैरह में मेरे को MG इतना ब्रांड पसंद है नहीं है, लोगों को पसंद होगा बट जो ऑफकोर्स उसका इंटीरियर स्कॉर्पियो से मच बेटर है, बट वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, मेरे को रियर व्हील ड्राइव चाहिए गाड़ी तो मैंने उसको पसंद किया नहीं। बट लास्ट में आया कि मैं जाऊंगा इंडियन ब्रांड की तरफ, लास्ट में मैंने कंक्लूजन निकाला कि आइदर टाटा और महिंद्रा, दीज आर टू ब्रांड्स आई हैव, लाइक टाटा में अपने पास सफारी है, महिंद्रा में अपने पास स्कॉर्पियो है और XUV700 है और क्लासिक है, स्कॉर्पियो क्लासिक है। तो ये तीनों में से, चार गाड़ियों में से मुझे कोई एक सिलेक्ट करनी है कि जब ऑफकोर्स पहुँचना कर, मेरा बजट नहीं था। तो चार गाड़ियों में से मैंने बुक कराई थी XUV700 इनिशियली, मतलब कि मैं जाने वाला था कि मैं जाऊंगा ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फ़ैन तो बहुत था इस गाड़ी का, मुझे लेनी भी थी, बट कहीं ना कहीं मेरा मन बोला था कि यार लाइक मेरी पर्सनैलिटी पर ये सूट करेगी या नहीं करेगी, मतलब मेरा प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, तो मोस्टली मेरी लाइन के लोग बाग हेक्टर या कोई अगर जो ज़्यादा अच्छा कमा रहा तो लग्जरियस ब्रांड चल जाएंगे ओडी मर्सिडीज में, अगर थोड़ा कम मतलब थोड़ा अपने बराबर के हैं वो थोड़ा क्रेटा या फिर इस तरह की गाड़ी लेते हैं, स्कॉर्पियो के लिए नहीं होती है, XUV700 के पास भी काफ़ी लोगों के पास है। बट मेरे को इस गाड़ी पर थोड़ा दिल आ गया था, मैंने कि यार नहीं यार छोड़ो, मतलब मैं बुक तो कराने जा रहा था बट मैंने लास्ट एंड मोमेंट पे वो कैंसिल कर दी, मैं नहीं यार मैं स्कॉर्पियो एंड लूँगा। तो उसने बोला भी था कि सर आप ये प्रोफेशन पे के लोग ज़्यादातर ये वाली गाड़ी लेते हैं XUV700, मैंने कि कोई बात नहीं मैं ऑड वन आउट हूँ, बाकी उसे अलग मान लो मेरे को, बोला ठीक है।
फिर मैं जिस तरह से हमारी स्कॉर्पियो आई, अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगा नहीं, मैं बस कंक्लूजन करता हूँ कि लाइक क्यों, मतलब क्या चीज़ें हैं जो मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी अब तक, और क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। पहली बात तो ये है कि महिंद्रा की फिट एंड फिनिशिंग, बहुत सारा काम करना बचा हुआ है उनके अंदर। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, बट मतलब काफ़ी जगह स्पेस बहुत कम है और काफ़ी जगह स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। मैं परसों फ्राइडे के दिन अपनी गाड़ी को लेके गया, फ्राइडे नहीं सॉरी, मैं कल के दिन ले गया था, हाँ कल वो था सैटरडे था, तो कल के दिन मैंने अपनी गाड़ी को लेके गया और मैंने बोला कि यार ये साइड में से थोड़ी चूचू की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो वो आप थोड़ा उसको यार सॉल्व कर दो। तो मेरे को मार रहा है क्या भाई? नहीं, तो मैंने बोला कि यार ऐसी थोड़ी चूचू की आवाज़ आ रही है, तो सही कर दो। वो 6.5 घंटे लिए उन्होंने, मेरी नई गाड़ी का गेट खोल दिया, टायर खोल के देखा, उन पे वो आवाज़ ही सही नहीं हुई। मैंने बोला भाई देख, आपसे ज़्यादा गाड़ी खोलने दूंगा नहीं मैं। मुझे बोला कि बम्पर खोलूंगा गाड़ी का भाई साहब देखने के लिए, मैंने कि हाथ भी नहीं लगा दूंगा बम्पर को, तो मैं किसी भी चीज़ को मैं अब हाथ नहीं लगा दूंगा अपनी गाड़ी को। तो ना अब गेट खोल लिया, खोल दिया, चलो ठीक है मैंने मान लिया, अब एक भी चीज़ नहीं खोलेगा तू सर, फिर मैं क्या डायग्नोस करूँगा इस चीज़ को कि आप कुछ खोल नहीं दोगे। मैंने कि 7 तारीख को गाड़ी दी है मैंने और आज 10 तारीख हो गई है, तो 3 दिन में मेरी गाड़ी खोलेगा क्या? तो ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगी। बाद में उसने बोला कि उसका कोई थोड़ा सीनियर पर्सन आया, उसने बोला सर हाँ सर गाड़ी नहीं खोलेंगे, आप चिंता मत करो आपकी, आप मंडे को हमारी गाड़ी छोड़ जाइए। मैंने कहा पागल हो गया तो गाड़ी छोड़ के जाऊँगा मैं, गाड़ी तो घंटा ना छोड़ूँ मैं, 7 तारीख गाड़ी ली है तो 10 तारीख को मेरे को बोला गाड़ी छोड़ जाऊँ, उससे मंडे को आप गाड़ी छोड़ जाना, मैं मंडे को भी वहीं बैठा रहूँगा, मेरे सामने काम सही करना, ये चूचू की बात मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला कि बेच क्या रहे हो तुम, 30 लाख की गाड़ी ली है भाई मैंने, नहीं करूँगा कॉम्प्रोमाइज, छोटा सा भी नहीं करने वाला मैं तो। मुझे तो एक, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि इसने बोले सर गाड़ी है आती रहती है प्रॉब्लम, मैंने कि आती है तो 800 लूँगा ना मैं, प्रॉब्लम लेनी है तो मैं 800 की मारुति की अल्टो लूँगा, मैं 800 लूँगा ठीक है, प्रॉब्लम आती है, पैसे भी इतने दिए हैं तो आने दो सह लूँगा प्रॉब्लम, लेकिन 30 लाख दिए ना मैं नहीं सहने वाला, ये चूचू के बाद नहीं सहूँगा, कुछ भी नहीं सहूँगा। तो वो बोला कि हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक है सर आप है ना मंडे को आ जाइए और आपको आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने ठीक है, एक ये प्रॉब्लम लगी ठीक, एटलीस्ट मान मतलब जितना सुना था कि भाई महिंद्रा का प्रॉब्लम, सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम, मेरे को इतना लगा नहीं है, मैं जो बोल रहा था वो सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, हालांकि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी उनसे, आई डोंट नो व्हाई, बट एटलीस्ट देवर काम। तो ये थोड़ा एक था, सेकेंडली फिटिंग फिनिशिंग बता दी मैंने आपको, अदर देन दैट आई एम एंजॉइंग माई न्यू व्हीकल एंड या आप, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।